हाँ जी आप पहुँच गए मकलौड़गंज, चैक इन आप कर लिया। होटल का ना है द नेस्ट, तुम दिखा कमरे जोड़े असी देखे आ जो फोटो दिखाया ही उस हिसाब न वो तो फोटोशॉप की पर इन्नी क्लीनिंगनैस वो नहीं है। तो व्यू ठीक है पर यह जो एरिया भी बहुत थले जाके और बड़ी मतलब आउट ऑफ द वे है, मार्केट तो काफ़ी दूर पैंता। तो सानू मतलब कि लोकेशन ये होटल की पसंद नहीं आई। हूँ असी सोचा कि चलो असी 5 दिन की इतने नाइट्स बुक की हुई पर हूँ असी प्लैन चेंज करके 2 दिन तक ही रखिया। तो असं हूँ जा रहे हैं बाहर होटल होर देखते तो होर नवे होटल देख के उस तो बाद आप जो कोई नवा होटल होगा वनू आप फाइनल करके 3 नाइट्स उत्ते करा। ये है जी होटल नेस्ट, आप जो ऑनलाइन बुक कराया सी ये तुम देख लो। और रूम्स इन्होंने सानू 1700 रुपया पर रूम पर नाइट चार्ज किया। मेरे हिसाब न जो जिन्ना क असी इतने घूम के देखा हूँ यदि 1200 के लागे बने इस तुम तो नहीं होनी चाहिए जो यदि लोक लोकेशन के हिसाब न या यदि रूम कंडीशन के हिसाब के न। प्लस पॉइंट यदा यही है कि यदा व्यू बहुत वधिया बालकोनी के उपरों या कमरे के विचों। सो ये अपना होटल द नेस्ट जिहड़ा आपां चैक इन किया। तो आओ आप हुण गल करते हैं मैकलौड़गंज शहर की कि इहदी हिस्टरी किदां ए वसिया की इहदी हिस्टरी आ। ये 1850 सैकेंड एंजलो सिख वॉर जी हुई उस तो बाद ब्रिटिश ने इसनों इनवेंट किया, इनू वसाया आके इतने। ये हिमाचल के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के विच पैंदा, धर्मशाला तो बिल्कुल 10-12 किलोमीटर की ऊंचाई के उपर। बहुत ही सोहना और बहुत ही प्यारा ये शहर है जिहड़ा, और इसनों दूजा लहासा भी कहा जाता जी, तिब्बती राजधानी लहासा इनू दूजी राजधानी तिब्बती भी कहा जाता क्योंकि इतने तिब्बतीयन बहुत ज़्यादा, तिब्बतीयन की आबादी जी है इतने बहुत ज़्यादा वा। और टोटल पॉपुलेशन जी मैकलौड़गंज की अराउंड 11,000 सह चढ़ रहा चढ़ाई है थोड़ी, तो 11,000 के करीब पॉपुलेशन है इतों की। बाकी होटल्स ने टूरिस्ट बहुत आ, टूरिस्ट अट्रैक्शन है इतों की। बुद्धिस्ट के जोड़े 14वें लामा ने, जोड़े 14वें दलाई लामा ने उन्हां दी रेजिडेंस भी इत्थे ही आ। 1959 दे विच जदों चाइना ने तिब्बत दे उपर अटैक किया, उसनू कब्जे दे विच लिया ते बोधियां नू मारना शुरू किया, उदों जिहड़े 14वें दलाई लामा ओह उन्हां ने भारत दी शरण ली ते आ के इत्थे उन्हां ने अपना जो डेरा जो बनाया ओह इत्थे मैकलौड़गंज दे विच आ के उत्थे उन्हां अपनी मोनेस्ट्री बनाई और उन्हां दी रेजिडेंस भी इत्थे आ। इस करके इत्थे जिहड़े लामाज बहुत ने बोधी जो तिब्बतीयन लोग ने वो तुहानूं बहुत दिखाई देणगे आ लाल लाल कपड़िआं दे विच। सो ये मेन जिहड़ा चौंक आ मैकलौड़गंज दा, आ मैकलो रेस्टोरेंट इत्थे राती रोटी खाधी सी तुसीं पहले व्लॉग दे विच देखिआ होगा। मेन जो चहल पहल का एरिया ये है दोस्तों। ये 1960 दियां वो तस्वीरां जदों दलाई लामा तिब्बत तो भारत में आए तो उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री स्थापित की, ये उस समय दियां कुछ मूँह बोल दियां तस्वीरां आप चेक कर सकते हो। मैकलौड़गंज मेन चौंक दे जो नाल ही सज्जे हथ एक टैंपल रोड निकलती है, एवं 100 मीटर जाके अगे खब्बे हथ एक बहुत सोहना बुद्धिस्ट टैंपल आ। आओ आप अंदर चल के देखते हैं किस तरीके का ये जो बुद्धिस्ट टैंपल है कितना सोहना खूबसूरत है। ये जो अंदर चक्कर बने हुए ने, चक्करां दे उपर जो मंत्र लिखे हुए ने और इन्हां नूं क्लॉकवाइज घुमाया जाता, ये ऑटोमैटिक ही चल रहा, आई थिंक थल्ले मोटर लगी होनी है।
ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਮਾਨਤਾ ਬੁੱਧਿਸਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੰਤਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਘੁਮਾਓ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਇਫੈਕਟ ਆ। ਬਾਕੀ ਬੁੱਧਿਸਟ ਟੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੋ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਮਾ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਜੋ ਹੁਣ ਦੇ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਤਰ ਜੋ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੁੱਧਿਸਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਆਹ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਲਾਮਾਜ਼ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਂਪਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੜਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਜੋਗੀਵਾੜਾ ਰੋਡ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਂਡਲੂਮਸ ਆਪਣਾ ਤਿਬਤੀਨ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਬ੍ਰੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਫੇਜ਼, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਆਪਣਾ ਹੋਟਲਸ, ਸਬਵੇ, ਬੈਰਿਸਟਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਈਵਨਿੰਗ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਫਟਰਨੂਨ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸਕਾਈਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੇਬਲ ਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਮੈਕਲੋਡਗੰਜ ਦਾ ਰੂਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੋ ਟਿਕਟ ਆ ਵਨ ਵੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ 450 ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਮੈਕਲੋਡਗੰਜ ਤਾਂ 625-650 650 ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਮੋਨੈਸਟਰੀ ਆ, ਜਦੋਂ 14ਵੇਂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ
तिब्बत तो आके भारत की शरण लई 1990 उन्होंने स्थापित की और उन्होंने रेजीडेंस भी इस दे पिछे ही आ। और ये मोनेस्ट्री तो बाहर का व्यू आ पहाड़ों का, बा कमाल बहुत सोहना, चंद्रमा देखो दिखाई दे रहा चिट्टे चिट्टे पहाड़ों के पिछे। और आओ आप अंदर चलते हैं, ये मेन रस्ता जाता वा टेंपल नू मोनेस्ट्री के अंदर। ये लैवल 1 के उपर टैंपल के बाहर जो सिक्योरिटी क्रॉस करने तो बाद इस तरीके का कोई नज़ारा तुम्हें देखने को मिलेगा। इतों उपर न पौड़ियाँ चढ़दियाँ ने जो टैंपल न, नीचे भी एक छोटा टैंपल है, इतने भी आई थिंक आ दलाई लामा जी की चेयर आ। एक होर टैंपल आ टैंप अंदर ही टैंपल के दो तीन टैंपल बने हुए, देखो क्या खूबसूरत नज़ारा। एक पेंटिंग्स जो तिब्बतियन कल्चर जो बुद्धिस्ट कल्चर आनू रिप्रजेंट करता, देखो क्या सोहनिया स्क्रिप्चर आ मॉडल और स्टैचूज ने जो तिब्बतियन जो टैंपल ने या बुद्धिस्ट टैंपल ने, उन्हों का ये बहुत विलखणता आ कि उन्होंने जी आर्ट एंड कल्चर बा कमाल आ। सो आओ बाहर चलते हैं, मंदिर तो बाहर का ये एंट्रेंस आ और बाहर ही इतने कैंडल जगाई जाती हैं, जिस तरह आप जोत जगाने या मोमबत्ती जगाई जाती है, चिराग जगाया जाता। इतने प्रसाद वास्ते बनी है जगह, इतने प्रसाद मिलता। और ये दूसरा मेन हॉल आ टैंपल के अंदर जिते दलाई लामा जी बैठ के संबोधन करते हैं अपने संगतां नूं। और ये दोस्तों अज का अपना व्लॉग, आस करदा तुहानूं वधिया लगा होगा, तुसीं इंजॉय किया होगा। और प्लीज़ जे तुहानूं पसंद आया इहनूं लाइक शेयर ते कमेंट जरूर करियो। सो दोस्तों मिलते हैं मैकलॉडगंज तो ही एक होर नवें व्लॉग के, तद तक के लिए रब राखा शब्बा खैर।